ट्विटर पर राहुल गांधी इज बैक ट्रेंड कर रहा है। आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और अब उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, चंद घंटों में सूरत सेंशस कोर्ट के फैसले पर जिस तत्परता और खुशी के साथ भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बहाल करने में इतनी देरी क्यों? 9 वर्षों में संविधान और लोकतंत्र को रौंदने तथा नफरत और विफलताओं का पहाड़ खड़ा करने वाली मोदी सरकार क्या विपक्ष और जनता की एकजुटता से घबरा गई है? आपको बता दें, बीते शुक्रवार यानी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में साल 2019 में मानहानि का मामला दर्ज किया गया था राहुल गांधी पे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने इसका स्वागत किया था। उस समय भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। अगर बीजेपी के दुष्ट प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों और षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते, सत्यमेव जयते। मार्च को सूरत सेंशस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। अब कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।